क्या कहते हैं क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स, और कैसे जो है इस हफ्ते कौन हो सकता है एलिमिनेट। वोटिंग ट्रेंड्स पर अगर जाए तो क्या एक नहीं दो कॉन्टेस्टेंट एलिमिनेट होंगे। वहीं पिछले हफ्ते से एक बात साफ साफ कही जा रही है कि इस बार पूजा भट्ट का सफर खत्म हो सकता है और पूजा भट्ट जो है वो बाहर आ सकती हैं, क्योंकि उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 30 तक का था और उन्होंने अपने नए सीरियल या सीरीज की शूटिंग जो है वो शुरू करनी है। तो अब जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। यहां शुरुआत जब हुई थी वोटिंग ट्रेंड की ना, तब जिया टॉप पर थी लगातार, क्योंकि उसको अच्छे खासे वोट मिल रहे थे। लेकिन अब जिया की जगह मनीषा टॉप पर है और मनीषा को फुकरा और एलविश के फैंस अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, जमकर सपोर्ट कर रहे हैं, और मनीषा वोटिंग ट्रेंड में जिया को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। तो मनीषा टॉप पर है। दूसरे नंबर पर बात करूं तो जिया है, तीसरे नंबर पर अविनाश है और चौथे पर जय। हालांकि बहुत ही प्रेडिक्टेबल इस बार जो है वोटिंग का ट्रेंड था, क्योंकि ये जो चार कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए थे सभी को पता है कि जेड को उतने वोट मिलेंगे ही नहीं। लेकिन यार सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात यह है कि जेड और जो साथ में अविनाश है उनके जो वोट का डिफरेंस है वो भी बहुत कम है, मतलब बहुत ही माइनर डिफरेंस है और कहा जाए तो कुछ हजारों का ही डिफरेंस है। तो अब अगर डबल एलिमिनेशन होता है तो इन दोनों का ही पत्ता कट सकता है। देखा जाए तो जितना डिफरेंस है उसमें ये दोनों भी जा सकते हैं, तो दो एलिमिनेट हो सकते हैं, और अगर सिंगल एलिमिनेशन हुआ तो जैड जाएगा। पर यहाँ पर जैड को पहले से ही पता है कि इस हफ्ते उसी का पत्ता कटने वाला है, और इस बात का जिक्र जो है वो एक नहीं बल्कि कई बार करता हुआ नजर भी आया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि कौन जा सकता है कौन नहीं, आप कमेंट करना ना भूलें।